नमस्कार सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने नए चैनल में जिसका नाम है नवनीत JMH। और आप नवनीत JMH को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आंगनबाड़ियों की सच्ची खबरें हम लगातार उठाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें। और शेयर करिएगा जो आंगनबाड़ी बहनें JMH न्यूज़ चैनल से जुड़ी थी और किसी कारण से अब JMH न्यूज़ चैनल हैक हो गया है और अब JMH न्यूज़ चैनल पर हम खबरें नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण से सभी खबरें आपको नवनीत JMH पर मिलेंगी। सच्ची खबरें, सटीक कवरेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिए। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन ड्यूटी कर रहा है, कौन नहीं, कौन एब्सेंट है, आप ये सब जान पाएंगे अधिकारी। जी हाँ, वो भी बिना निरीक्षण करे बैठे बैठे आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग तो कर पाएंगे लेकिन आंगनबाड़ियों के वेतन की मॉनिटरिंग कभी नहीं करते अधिकारी। और घिनौने अधिकारी आंगनबाड़ियों के एब्सेंट रहने की मॉनिटरिंग करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें GPS की मदद से लाइव देखेंगे अधिकारी, ये भी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है विभाग। आपको बता दें हरियाणा राज्य से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब अनलॉक के बाद फिर से विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिन संचालकों के पास स्मार्टफोन है उन्होंने तो यह काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें यह फ़ोन उपलब्ध कराए जाएंगे और यह काम किया जाएगा। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और इससे पता चल जाएगा कौन प्रेजेंट हुआ है, कौन एब्सेंट। अब अधिकारियों को निरीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माध्यम क्या होगा? GPS के माध्यम से लाइव लोकेशन अधिकारी देख पाएंगे और जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का केंद्र पर होगी तो वह समझ जाएंगे कि यह केंद्र खुला हुआ है। आपको बता दें सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने और हर कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए यह काम किया जा रहा है। इस कार्य से अब आंगनबाड़ियाँ भी अछूती नहीं रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र संचालका द्वारा अपने सेंटर पर पहुंचकर GPS से लोकेशन अधिकारी के पास भेजनी होगी। हालांकि पोषण आहार कार्यक्रम के तहत कई हरियाणा प्रदेश के जिलों में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जींद एक जिला है, इसमें यहाँ पर एक इस व्यवस्था को शुरू करने में कुछ देरी हो रही है। अब अनलॉक के बाद फिर से विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जिन संचालकों के पास स्मार्टफोन है उन्होंने तो काम करना भी शुरू कर दिया है और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें यह फ़ोन उपलब्ध करवाए जाने का काम किया जाएगा। ये देखिए सरकार हरियाणा की है और आंगनबाड़ियों पर कितने ज़्यादा पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार रोकने के लिए सब आंगनबाड़ियों पर ही निगाह टिकाए हुए हैं। बड़े बड़े जो कर्मचारी हैं, अच्छे पद पर हैं सरकारी कर्मचारी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती लेकिन आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग अब सरकार मोबाइल के माध्यम से GPS के माध्यम से करेगी। अगर मॉनिटरिंग करनी है तो राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारियों की जाए, जो मोटी मोटी गड्डी पाते हैं। और इसी के साथ ही विभाग में बैठे सरकारी कर्मचारी होने के बाद उनको राज्य से अच्छा खासा, केंद्र से अच्छा खासा वेतन मिलता है, इसके बावजूद भी सुविधा शुल्क लेने से कतराते नहीं हैं और बिना सुविधा शुल्क लिए किसी प्रकार का काम नहीं करते। मन मर्जी से आते हैं, मन मर्जी से जाते हैं, लंबी चौड़ी सेटिंग है और सेटिंग के साथ ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी करते हैं। ऐसे लोगों की उपस्थिति पर निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? इन अधिकारियों को उपस्थिति पर निगरानी की जाए, अगर आप सहमत तो कमेंट में यस लिखिएगा। आंगनबाड़ी जो मजदूर से बुरी स्थिति में है इन पर निगरानी की जा रही है लेकिन सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। छोटे छोटे वर्कर्स जो बेचारे पहले से ही परेशान हैं उनको परेशान करने का काम सरकार कर रही है और घिनौनी सरकार इस तरीके से काम कर रही है। आंगनबाड़ियाँ परेशान हैं, उनका कहना है कि हम पहले से ही परेशान हैं और ऊपर से सरकार GPS वाला सिस्टम चालू कर दी है। कभी भी वेतन के बारे में GPS से कभी नहीं बताती है कि वेतन फलाना डेट को आ जाएगा, सटीक तारीख तय नहीं रहती है, वेतन आने का कभी ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग चाहिए, केंद्र खुला है या नहीं खुला है इसकी जानकारी चाहिए। खैर यह बात तो ठीक है कि केंद्र खुला है या नहीं खुला है उसकी जानकारी ले रहे लेकिन वेतन सहित अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी तो आंगनबाड़ियों को मिलनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा सुविधाएँ, भत्ते, PF सब कुछ मिलता है लेकिन आंगनबाड़ियों के साथ ये सब नहीं होता है और उनको अल्प मानदेय मिलता है। इसके बावजूद भी हालत उनकी ऐसी है जैसे केंद्रीय कर्मचारी या फिर बहुत बड़े अधिकारियों की होती है और उनसे ऐसे काम लिया जा रहा है, ऐसे मॉनिटरिंग हो रही है जैसे लग रहा है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वही कर रहे हो। क्या कहते हैं इस मॉनिटरिंग को लेकर? कमेंट है, बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ियों का वेतन ससमय आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। और इसी के साथ ही आपसे मिलते हैं नए अपडेट में। आंगनबाड़ियों की खबरें नवनीत JMH पर आपको देखने को मिलेगी। जो लोग JMH न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करे थे वो नवनीत JMH को अवश्य करें और ताकि आपको चैनल पर सभी खबरें मिल सकें। नमस्कार।